प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में तिगांव इलाके में गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्चे माइनर थे जिनकी उम्र 8 और 10 साल की थी। दरअसल खेत में भरे बरसाती पानी की ये तस्वीरें फरीदाबाद के तिगांव इलाके की है और इसी खेत में भरे पानी में बच्चों की डूबने से मौत हुई है। बता दें कि घटना कल देर शाम की है। वही मामले में परिजनों ने बताया कि खेत मालिक इसमें से मिट्टी निकलवा रहे हैं, जिसके चलते खेत में काफी गहरे गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों में बरसाती पानी भर गया है। उनके बच्चे घर से पतंग लाने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उन्होंने उनकी काफी तलाश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। और फिर किसी ने बताया कि उनके बच्चे खेत में डूब गए हैं, जिसके बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चों को आनन फानन में गड्ढों से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। उनके मुताबिक उन्होंने खेत मालिक को कई बार खेत से मिट्टी ना उठाने के लिए कहा था, लेकिन खेत मालिक ने उनकी एक नहीं मानी, जिसके चलते खेत में गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में बच्चों के डूबने से मौत हो गई। घर से 4:30 या 5 के बीच में तो निकले थे, घर बोल के गए थे कि मैं पतंग लेने जा रहा हूँ। पतंग लेने के कारण वो मतलब यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, तो उसमें वो पता नहीं या तो पतंग लूट रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, उस गड्ढे में उनका पैर फिसल गया और वो उसमें ही रह गए। तो गड्ढा हो रहा था किस कहां पर हो रहा था ये गड्ढा? ये ना घर के साइड में ही है। तो कोई खेत वेत में गड्ढा हो रहा है? हाँ, खेत में गड्ढा बना रखा है उन्होंने ना। वो बोल रहे हैं कि इस खेत में ना वो जेसीबी चलवा रहे हैं, इस मट्टी उठवा रहे हैं यहाँ से जी। तो उनसे बोला था कि भाई यहाँ पे बच्चे बच्चे डोलते हैं, तुम ऐसा मत कराओ। तो बोला था, बोल रहा है वो कि ऐसे ही जेसीबी चलेगी यहाँ पे। मामले की तो भाई यही है कि बच्चे जो बच्चे होते हैं लेकिन वो पतंग के चक्कर में वो बालक वो गड्ढे में जाके गिर गए। तो कैसे पता चला? लेकिन अब पता तो बाद में चलिए, जब ढूंढ रहा मचा जी, अवैध गड्ढे खुदे हो रहे हैं तो मना करते हैं, तो साले ट्रैक्टर ट्रक है साले ऊपर चढ़ा दो। कितने समय से बच्चे गायब थे घर से? 3:30-4 से बता रहे हैं यहाँ पे। तो किसने देखा, किसकी मदद से आपने निकाला? देखा भाई ने, देखा छोटे वाले ने जो ढूंढा, जो ढूंढने गए हैं। मामला सर देता जो कि मैं ड्यूटी से आया, मैंने सारे में देखे थे बच्चे, मेरे को बच्चे नहीं मिले कहीं पे भी। दोनों मेरे को बताए थे हो सकता है जो कि बाजार गए हों, मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं बताते। मैं ड्यूटी से आया हूँ तो मेरे को एक ने बताया कि जो कि गड्ढे में पड़े दोनों। मैं जो कि वहाँ पर मैं निकालने के लिए गया हूँ, एक भाई और गया मेरे साथ, और मैं इतना डूब गया, मैं भी डूब गया उसमें, और मेरा बच्चा ऊपर तैर रहा था बिल्कुल। तो कैसे, कब से लापता थे बच्चे और कैसे पता चला गड्ढे में बच्चे? जो कि एक बच्चे ने बताए थे, लोग जो कि दो बच्चे इधर आए थे वो। अच्छा, हाँ जी। जो खुदाई हो रही है वो किसकी है? और खेत है वो, बात वो खेत क्या नाम है उनका? ओम का खेत है जी। तो आपने पुलिस को शिकायत दी ओम के प्रति? दिए सर हमने। वही मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि बच्चों के परिजनों ने उन्हें शिकायत दी है, जिनमें उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे कल पतंग उड़ा रहे थे कि तभी खेत में बने गड्ढे में गिर गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल जांच की जा रही है कि खेत मालिक ने इस खेत से मिट्टी उठाने की परमिशन ली थी या नहीं, और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। बार शाम के बताए मुताबिक बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते वो खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गए। गिर गए, उसमें पानी भरा हुआ था, पानी भरने के कारण छोटे बच्चे थे उसमें वो डूब गए, माइनर बच्चे छोटे 1-8 साल का। खेत के अंदर इतना गहरा गड्ढा बना हुआ है कि भाई आदमी पूरा। हाँ, 5-6 फुट का गहरा है। तो क्या कार्रवाई होगी सर इस प्रकार? जो लिखी है अब कार्रवाई कर रहे हैं जी। अब क्या ये अवैध खनन का मामला नहीं है जी? अब अवैध खनन तो वो जब पता पड़ेगी ना, मैं अवैध खनन है क्या है, अभी गड्ढा तो खुदा हुआ है जमीन। क्या उम्र है सर इन बच्चों की अगर बात? एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 8 साल का। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।